जय हिंद साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब के पौत्र जिनका नाम है प्रकाश अम्बेडकर, उन्होंने चंद्रशेखर के समर्थन में ट्वीट करते हुए एक बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी गलती की है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ समझौता नहीं करना था तो चर्चा के लिए क्यों बुलाया। जाने अनजाने में समाजवादी पार्टी ने गलत संदेश गया है। और उन्होंने लिखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद का बयान समाजवादी पार्टी के लिए हानिकारक है, ये हकीकत है या साजिश। इस तरह का उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए लिखा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो चंद्रशेखर के समर्थन में उतरे हैं। और कल आम आदमी के कद्दावर नेता जिनका नाम है संजय सिंह, उन्होंने भी चंद्रशेखर के समर्थन में उतरे। उन्होंने भी चंद्रशेखर की बहुत सारी अच्छाइयां गुनाई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरह का जो है चंद्रशेखर के खिलाफ साजिश है या कुछ है, इन्होंने साजिश बताया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही चंद्रशेखर के आंसू आए, तैसे ही सोशल मीडिया पे एक पहाड़ सा टूट गया और लोग चंद्रशेखर के समर्थन में उतरना चालू कर दिए। मैं आपको सीधा सीधा ये बता देना चाहता हूं कि आज चंद्रशेखर जी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 बजे का समय दिया है कि वह आज मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। अब देखना यह है कि वह किस पार्टी के साथ जाते हैं या फिर अखिलेश यादव की पार्टी के साथ जाते हैं। आप लोग मेरे चैनल एक कदम संविधान पर बने रहिए, मैं आपको भीम आर्मी की सारी पल पल की जानकारी देता रहूँगा। साथियों, आप लोग को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कल जो है अखिलेश यादव का बयान आया था कि अगर वो मुझे भाई मानते हैं तो भाई की तरह आके काम पार्टी से जुड़ जाएं और मुझे जिताने का काम करें, या फिर सीट मांगते हैं तो आके सीट ले जाएं, 2 सीट वो देने के लिए तैयार हैं। तो अब देखना यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद किसके साथ जाते हैं, अकेले चुनाव लड़ते हैं या फिर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा है कि अगर अखिलेश यादव मुझे अपना छोटा भाई बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर मुझे बुलाते हैं तो मैं वहां जाऊंगा और उनका समर्थन करूंगा। इस तरह का बयान उन्होंने कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश यादव पहले कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे आरोप लगाए हैं और देखना यह है कि वो आगे क्या करते हैं। बने रहिए एक कदम संविधान की ओर।